lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it, even though it's... Welcome back to my new vlog. I hope आप लोग सब अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज मैं बना रही हूँ मटन, नया रेसिपी। तो चलिए, हम बंगाली लोग जिस तरह से मटन बनाते हैं वो मैं दिखा रही हूँ। सबसे पहले इसको अच्छे से धो के रेडी कर लिया। अभी इसमें डाल लेंगे एक चम्मच जितना अदरक लहसुन का पेस्ट, दो चम्मच जितना चाहिए तो बाद में फिर ऐड कर लेंगे। इसमें ऐड कर देंगे मिर्ची पाउडर 1 से 1.5 चम्मच जितना, और इसमें ऐड करेंगे हल्दी, और इसको अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। और इसमें ऐड कर देंगे दही। हमारे बंगाली लोग मटन इस तरह से बनाते हैं। और इसमें डालेंगे आलू, तो मैंने काटा नहीं, अभी काटेंगे। और जो भी मसाला जो भी कुछ ऐड करेंगे वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो रेसिपी आप लोग देखते रहिए, साथ में रहिए, और प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा जो भी कुछ है, तो फिर नया नया वीडियो बनाने के लिए मज़ा आएगा। तो ये सब कुछ रेडी है, इसमें दही ऐड करेंगे, एक खट्टा वाला दही है। तो इसको मैं ना डायरेक्ट नहीं डालूँगी, मिक्सर में एक बार घुमा लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे। मतलब ये 750 ग्राम चिकन है, तो 150 से 200 ग्राम जितना दही डालेंगे। तो देखिए दही रेडी हो गया, इसको मिक्सर में एक बार घुमा दिया और इसमें ऐड कर देंगे अच्छे से मिक्स करके। इसको जब तक मसाला रेडी है, सिर्फ प्याज करना है, आलू करना है, तब तक मटन रेडी हो जाएगा। तो इसको मैरिनेट करके रख देंगे 10 से 15 मिनट, आपके पास जो भी टाइम है आप अपने हिसाब से करिए। ये हो गया, अभी मैं आलू काट लेती हूँ, फिर काट के रेडी करके। मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया, मैं सरसों का तेल से बना रही हूँ। तेल गर्म होने को डाल दिया, इसमें डाल देंगे एक लाल मिर्ची। तो आलू इस तरह से मैंने बड़े बड़े 4 पीस कर लिया। इधर कच्चा पपाया, रो पपाया, वो मैंने काट के साफ कर लिया। इधर प्याज काट के रेडी है, इधर अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी है। सबसे पहले कढ़ाई गर्म हो गया, इसमें डाल देंगे प्याज। गाइस प्याज इस तरह से अच्छे से लाल हो गया, इससे ज़्यादा लाल नहीं करेंगे क्योंकि मटन में भी पकेगा ना। और इधर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। तो सबसे पहले इसको अच्छे से मसाले को थोड़ा भून लेते हैं। अभी इसमें और 1 चम्मच जितना हल्दी पाउडर डाल देंगे, और इसमें ऐड करेंगे मिर्ची पाउडर, 2-3 चम्मच हो जाएगा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि दही है ना तो अच्छे से बैलेंस में आ जाए। मसाले को अच्छे से पहले भून लेते, इसको 1 से 2 मिनट के लिए गैस मैंने मीडियम रखा, अच्छे से भून के फिर पानी आ गया। मैंने दही जो ऐड किया पीसा था ना, तो इसमें से मैं पानी लेके मसाले में ऐड कर। अभी इसको स्लो गैस पे 1 से 2 मिनट के लिए मसाले को अच्छे से भुनेंगे। तो इस मसाला अच्छे से हो गया, देखिए तेल अच्छे से बाहर आ गया। अभी इसमें ऐड कर देंगे मसाला, दही बेज जो लगा हुआ है पहले ये साफ कर लेते हैं। चाहिए तो लास्ट में मटन में पानी ऐड करें। गैस को मैंने स्लो ही रखा, पहले इसको अच्छे से मिक्स कर देते क्योंकि नहीं तो ना फास्ट रहेगा दही ना, फट जाता है बहुत टाइम, इसीलिए इसको स्लो गैस पे अच्छे से मसाले को कल रेडी कर लेंगे। अभी इसमें आलू अभी नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे। थोड़ा सा मटन में टाइम लगता है ना, तो थोड़ा सा हो जाने के बाद फिर आलू और पपाया डालेंगे। देखिए मैंने पानी वानी कुछ भी ऐड नहीं किया, उसी में पक रहा है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू कैसे बड़े बड़े हैं ना, तो आलू बहुत से लोग फ्राई करके डालते हैं, मैं फ्राई नहीं किया है, मैं ऐसे ही डाल दूँगी। आलू को होने देते हैं, फिर आलू भी पक जाएगा अच्छे से।
टमाटर देखते हैं अभी कितना बाकी है। गैस को मैंने स्लो रखा है, ये अच्छे से बन गया। अभी इसमें पपाया डाल देंगे क्योंकि पपाया भी कच्चा है ना, तो वो भी पकेगा, तब तक ये भी चिकन पूरा रेडी हो जाएगा। मटर सॉरी, तो ये डाल दें, इसको अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लें। पानी नहीं डाला मैंने कुछ भी, लास्ट में जब ग्रेवी बनाएंगे पानी ऐड करेंगे, इसी में पक जाएगा। पपाया को अच्छे से मटर के साथ मिक्स करके इसको ढक के पपाया पकने तक 5-7 मिनट और होने लगे। रेडी हो गया, अभी इसको निकाल लेते हैं। अभी इसमें पानी ऐड करेंगे क्योंकि ये थोड़ा ग्रेवी बना रहे हैं ना पतला सा, तो पानी हल्का सा ही गर्म हुआ है लेकिन ऐड कर देते हैं, इसमें बॉयल होगा ना। ये आलू और पपाया जो मैंने डाला है ये अच्छे से इसके साथ पक जाएगा, इसको बॉयल होने देते हैं अच्छे से। 5 मिनट तक तो पकेगा अच्छे से, तब जाके आलू पपाया मटर का जो भी ये है जो पानी के साथ अच्छे से मिक्स होगा। बस मटन हो गया है, अभी देखते हैं इसको आलू पका के नहीं, वो देना जरूरी है। पपाया तो पक गया है लगता है, हाँ पपाया हो गया, आलू भी हो गया। क्या आलू का साइज है। तो गैस को अभी ऑफ कर देंगे। तो रेडी है हमारा कार्टून आ गया। अब लोग शायद जब से हम लोग बॉम्बे से आए कार्टून कैमरा के समय बहुत कम आया, आजकल बहुत खेलने में बिजी है। शकल देख रहे हैं इसका, कल का दिन नहीं होगा, परसों के ऐसे दिन से हम लोग जा रहे हैं बॉम्बे। फिर हम लोग जब भी हमारे बॉम्बे तो परसों से फिर आप लोगों को दिखेगा कार्टून मेरे साथ ही। तो आप लोगों को मटन का रेसिपी कैसा लगा? मटन का रेसिपी कैसा लगा? आप खाली देखिए, बॉम्बे में खाली हर रोज देखूंगा। हमने देखी मोबाइल। मटन का रेसिपी कैसा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएगा आप लोगों का हमारे बंगाली स्टाइल में मटन कैसा लगा। कच्चा पपाया आलू डाल के हमारे इसमें मटन बनाते हैं, और मटन में कच्चा पपाया इसलिए डालते हैं बोलते हैं उसमें टेस्ट अच्छा आता है और मटन जल्दी पक जाता है। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। आज के लिए बाय, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। क्योंकि है ना मटन बोलते थे खाता नहीं है, इसलिए बच्चों को बोलना पड़ता है। बाय बाय, गुड नाइट।